बीते 7 वर्षों में जो निर्णय लिए गए, जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया, उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है। 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए की थी। आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ के आसपास की है। वर्ष 2013-14 में भारत का एक्सपोर्ट 2,85,000 करोड़ रुपए होता था। आज भारत का एक्सपोर्ट 4,70,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा है। 7 साल पहले करीब $275 बिलियन का विदेशी मुद्रा रिजर्व हमारे देश के पास था। आज देश का विदेशी मुद्रा रिजर्व $630 बिलियन को पार कर गया है। वर्ष 2013 में देश में $36 बिलियन का विदेशी निवेश FDI था। पिछले साल ये $80 बिलियन को पार कर चुका है। कोरोना के इस काल में भी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती से दुनिया का एक विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है और फंडामेंटल्स मजबूत है। इस साल का बजट इसे और गति देने वाला है।